नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज। आप देख रहे हैं जीएन भारत। सदर प्रखंड के उर्मी अरमई डुमरडी के हनुमान मंदिर परिसर में 5 मई से 15 मई तक आयोजित 11 दिवसीय श्री श्री महारुद्र सहस्त्र चंडी हवनात्मक महायज्ञ को लेकर गुरुवार को सुबह कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, युवतियां और किशोरियों ने भाग लिया। वहीं कलश यात्रा डुमरडी हनुमान मंदिर से आरंभ हुई, जो उर्मी तालाब तक गई। इसके बाद जल उठाकर महिलाएं उर्मी स्थित राम जानकी मंदिर पहुंची, जहां से जगन्नाथ स्वामी मंदिर होते हुए कलश यात्रा डुमरडी हनुमान मंदिर परिसर में पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान जय श्री राम और जय बजरंग बली के जयकारे से पूरा माहौल गूंजता रहा। कलश यात्रा में शामिल महिलाएं और युवतियां में खासा उत्साह देखने को मिला। आज डुमरडी उर्मी अरमय में बाबा कर्मयोगी शिव शंभव जी महाराज का संकल्पित जो 108 यज्ञ होना है, उसके अंतर्गत में आज इस स्थान पर 84वां रुद्र श्री श्री रुद्र सहस्र चंडी हवनात्मक यज्ञ का आज कलश यात्रा है, और कलश यात्रा के साथ में ही यह यज्ञ शुभारंभ होगा, जो अनवरत 11 दिन चलेगा। यज्ञ के यज्ञाचार्य परमादरणीय श्री सतीश चंद्र शास्त्री जी के साथ में सभी वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा यह यज्ञ संपन्न कराया जाएगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।